भाजपा का कांग्रेस सरकार पर फूटा गुस्सा। बेमितरा बेसिक स्कूल मैदान में कार्यक्रम के बाद निकाले जंगी रैली। आक्रोश में दिखे सांसद विजय बघेल सहित भाजपाई। प्रदर्शन रोकने पुलिस ने पानी के फवारे छोड़े। बेमितरा बेसिक स्कूल मैदान में आज भाजपा के द्वारा राज्य के कांग्रेसी सरकार के विरोध और किसान विरोधी नीतियों को लेकर आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली के पहले सभा कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल सहित पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल और पूर्व संसदीय सचिव लाभ चंद वाफना और पूर्व विधायक अवधेश चंदेल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और उनके वादा खिलाफी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। सांसद विजय बघेल के द्वारा प्रदेश के भूपेश सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन करते हुए चुनाव के समय किए गए 36 वादों को याद दिलाया गया। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर चुन चुन कर कार्रवाई करने को लेकर आगाह किया। कार्यक्रम के बाद हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट घेराव करने निकले, जहां बीच रास्ते में ही स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा के घर के दरवाजे पर विरोध स्वरूप चूड़ी और सिंदूर फेंका गया, जिसके बाद पुलिस ने मंडी गेट के पास प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया गया, मगर पहले बैरिकेड तोड़ने में पुलिस भाजपा कामयाब हो गए। वहीं जब अंतिम बैरिकेड के पास पहुंचे तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों पर झूमा झटकी शुरू हुई, तो पुलिस ने पानी के फव्वारे छोड़े, जिसके बाद ही प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें, बेमितरा जिले में भाजपा के आक्रोश रैली को लेकर पुलिस पहले से ही तगड़ी व्यवस्था कर रखी थी, जहां आसपास जिलों से पुलिस जवान बुलाए गए थे ताकि प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट घेराव से रोका जा सके। मीडिया से बात करते हुए दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार को तानाशाही सरकार कहा और आगाह करते हुए कहा कि यह तो शुरुआत है, आगे ऐसी बहुत सी रैली और विरोध होंगे। दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ में गुंडों जैसा व्यवहार है। पर्यवेक्षक बन छत्तीसगढ़ डूब रहा है, छत्तीसगढ़ में कर्ज कर से डूबते जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा गुंडे जैसा व्यवहार किया गया, पुलिस ने बल भी प्रयोग किया रोकने के लिए। वो तो शुरू से कर रहे हैं ना, अभी तो हम लोग डट का मुकाबला किए। मैं हमेशा अपने साथियों को कहूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी गुंडागर्दी में विश्वास नहीं करता। आज भी हम शांतिपूर्ण ढंग से हूँ। एक क्षणिक आक्रोश हुआ है, ये लोग देखे नहीं है। अभी अगर मैं थोड़ी सी छूट देता अपने साथियों को, इतना आक्रोश फूट रहा है कि ये क्या रौंद के चल देते, इनको रौंद के चल देते, कलेक्टर के चैम्बर में घुस जाते, एसपी के चैम्बर में, इतना आक्रोश है। ये संभल जाए, ये चेतावनी है बेमेतरा से और पूरे प्रदेश में। ये पहला जंगी मुकाबला हो रहा है, पहला आक्रोश रैली हो रहा है। ये लोग सुधर जाए, ये टाइटल है, पिक्चर अभी बाकी है। भूपेश बघेल, अब तेरी गुंडागर्दी, रविंद्र चौबे, आशीष छाबड़ा और ये गुरदयाल यहाँ तो, और पूरे छत्तीसगढ़ में गुंडागर्दी बंद करो और हमारे लोगों को प्रताड़ित करना बंद करो। भेदभाव की राजनीति कर रहे लोग, तो इस तरह नहीं चलने वाला है। जनता बड़ी भावना से, बड़े आत्मीयता से इनको इतना बड़ा जाने दे दिया, लेकिन ये घमंड से चूर है। बेमेतरा से टुमेश जायसवाल, सीजीविजन टीवी।